आज हम लौकी की खीर बनाएंगे बिना गुड़ बिना चीनी बिना शक्कर बिना मिश्री, और खीर एकदम टेस्टी हेल्दी बनके तैयार होगी। भाई कुछ लोगों की शिकायत होती है हमारी खीर बिल्कुल भी लौकी की अच्छी नहीं बन पाती, लौकी अलग दूध अलग हो जाता। आज हम ऐसे सीक्रेट चीज मिलाएंगे जिससे कि खीर हमारी एकदम क्रीमी मलाईदार बनके तैयार होगी। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? मेरे चैनल अनन्या किचन क्यून में आपका स्वागत है। तो आज हम टेस्टी और हेल्दी खीर बनाएंगे, लेकिन उससे पहले प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक। चलो तो बनाना स्टार्ट करते हैं अपनी लौकी की खीर, बिल्कुल नई तरह की एकदम यूनिक। लौकी की खीर बनाने के लिए सबसे पहले लेंगे यहाँ पर एक लौकी। लौकी हमें सॉफ्ट वाला लेना, बिल्कुल हरा वाला, बीज वाला नहीं लेना। तो इसे के अच्छे से छिलके को उतार लेते हैं। तो फ्रेंड्स, आप सभी को पता है कि लौकी कितना फाइबर से भरपूर है, जैसे कि डायबिटीज, हाई कोलेस्ट्रॉल, थायराइड, पीसीओ, सबका सोल्यूशन है लौकी। तो आज हम लौकी की इतनी टेस्टी खीर बनाएंगे कि उंगलियां चाटते रह जाएंगे। लो कैलोरी की खीर बनके तैयार होगी। तो सबसे पहले हम लौकी को अच्छे से कर लेते हैं ग्रेट। तो यहाँ पर हमारा लौकी अच्छे से ग्रेट हो चुका है। तो फ्रेंड्स, खीर तो इतनी बढ़िया बनेगी और बहुत ही आसानी से बनाना, और सबसे अच्छी बात यह इसमें हमें कोई चीनी, गुड़, शक्कर और ना ही मिश्री किसी चीज़ का यूज नहीं करना, फिर भी खीर हमारी एकदम शानदार बनके तैयार होगी। तो चलिए खीर बना लेते हैं। यहाँ पर कढ़ाई में डाल देते हैं एक चम्मच देसी घी। तो फ्रेंड्स, ज़्यादा घी का हमें इस्तेमाल नहीं करना क्योंकि हम लो कैलोरी की खीर बना रहे हैं, तो इसलिए हम आधा चम्मच डाल देंगे, लेकिन एक चम्मच से ऊपर हमें घी नहीं डालना है। तो यहाँ पर अच्छे से मिक्स कर देते हैं लौकी को घी में, और इसे सॉफ्ट कर लेना हमें 5 मिनट के लिए। तो हम ढक देते हैं इसे, जिससे कि लौकी हमारा एकदम सॉफ्ट हो जाए। यहाँ पर हमारे 5 मिनट हो चुके हैं और लौकी को चेक कर लेते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा लौकी पहले से काफ़ी सॉफ्ट हो चुका और अच्छे से गल भी चुका है, देखिए बिल्कुल बढ़े तरीके से। तो अब बारी आती है यहाँ पर दूध की। तो यहाँ पर हम डालेंगे टोन मिल्क, फुल क्रीम का बिल्कुल भी यूज नहीं करेंगे। जब हम लो कैलोरी की खीर बना रहे, तो यहाँ पर हम फुल क्रीम दूध कैसे डाल सकते हैं? तो लौकी की खीर में हम डालेंगे टोन मिल्क, जिससे काफ़ी अच्छा टेस्ट आएगा और हेल्दी भी होगी। तो 2 छोटे गिलास यहाँ पर मैंने डाल दिए हैं, यहाँ पर कर देते हैं मिक्स। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको ऐसी एक चीज़ बताऊंगी जिसे डालने के बाद खीर एकदम क्रीमी मलाई की तरह बनके तैयार होगी। इतने यहाँ पर हमारी खीर बन रही है, इतने हम अपने थोड़े से मखाने रोस्ट कर लेते हैं। तो इस पैन में डाल देते हैं सबसे पहले मखाने। तो फ्रेंड्स, मखाने काफ़ी फाइबर से भरपूर होते हैं, फ़ायदेमंद भी होते हैं। धीमे धीमे आँच पर हमें रोस्ट करना बिना घी के। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारे हो चुके हैं, इसमें डाल देते हैं थोड़े से बादाम और थोड़ी सी किशमिश। तीनों चीज़ों को डाल के हमें कर लेना रोस्ट। तो बहुत ही फायदेमंद है सारे ड्राई फ्रूट, और खीर भी हमारी बहुत ही टेस्टी लगेगी। तो यहाँ पर अच्छे से हमारे रोस्ट हो चुके हैं, इन्हें निकाल लेते हैं एक बाउल में और अपनी खीर को भी चेक कर लेते हैं, इतने खीर जो हमारी बन रही है। तो यहाँ पर खीर में अच्छे से उबाल आ चुका है, आप देख सकते हो बिल्कुल अच्छे से। तो क्या करेंगे, 5 मिनट से हम ढक के पकाएंगे बिल्कुल स्लो फ्लेम पे। तो इसे हम ढक देते हैं और इसे पकने देते हैं। तो यहाँ पर हमारे 5 मिनट हो चुके हैं और खीर को कर लेते हैं चेक। तो देखिए फ्रेंड्स, खीर हमारी कितनी अच्छे से पक रही है, आप देख सकते हो कितनी क्रीमी हो चुकी है। धीमे धीमे आंच पर पकाते हैं तो खीर हमारी बहुत ही अच्छी लगती है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम डालेंगे एक सीक्रेट चीज़ जो मैंने आपको बताया, जिससे खीर और भी हमारी एकदम क्रीमी हो जाएगी मलाई की तरह। यहाँ पर डालेंगे एक चम्मच सूजी। जी हाँ, सूजी, ये रोस्ट की हुई सूजी है, ज़्यादा हमें नहीं डालना, सिर्फ एक चम्मच डालना। इससे खीर एकदम क्रीमी, एकदम गाढ़ी हो जाएगी। इसी के साथ डाल देते हैं मखाने रोस्ट किए हुए और हरी इलायची का पाउडर, जिससे बहुत ही अच्छी खुशबू आती है, फ़ायदेमंद भी होती है। तो सारी चीज़ों को मिक्स कर देते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम डालेंगे मिठास के लिए खजूर। जी हाँ, खजूर, यहाँ पर कोई चीनी, शक्कर, मिश्री, खांड कुछ नहीं डालेंगे हम। यहाँ पर 4 खजूर डालेंगे, जिसकी मिठास बहुत ही उभर के आएगी खीर के अंदर और बहुत ही जबरदस्त लगेगी खीर। तो यहाँ पर 3 खजूर को मैंने पीस लिया, 1 खजूर को कट कर लिया। तो खजूर को मिक्स कर देते हैं और तो देखिए खीर हमारी कितनी बढ़िया यहाँ पर अच्छी क्रीमी हो चुकी है। लेकिन अभी हम क्या करेंगे, इसे और सुंदर सा बनाने के लिए 2 बूंद डालेंगे ग्रीन फ्रूट कलर। अगर आपको पसंद नहीं है, आप यहाँ पर स्किप भी कर सकते हो, मैंने हल्का सा डाला जिससे हमारे खीर का लुक और भी बढ़ जाए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर इसे 5 मिनट पकने देते हैं सिर्फ, जिससे कि हमने सूजी डाली और सॉफ्ट हो जाए। तो यहाँ पर 5 मिनट हो चुके हैं और खीर को कर लेते हैं चेक। तो देखिए कितनी बढ़िया हमारी खीर लग रही है, आप देख सकते हो, और एकदम थिक हो चुकी है, एकदम मलाई की तरह एकदम क्रीमी, और कलर भी कितना अच्छा हो चुका है खीर का, और सूजी भी अच्छे से पक चुके हैं। तो फ्रेंड्स, सूजी डालने के बाद देखिए खीर हमारी कितनी क्रीमी हो चुकी है, एकदम गाढ़ी। भाई खीर को देख के अपने आप को कोई कैसे रोक सकता है, इतनी क्रीमी, इतनी टेस्टी और हेल्दी खीर। सबसे अच्छी बात है हेल्दी है, आप इसे दिल खोल के खाइए, टेंशन लेने वाली बात बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पर डाल देते हैं अपने ड्राई फ्रूट जो हमने रोस्ट किए थे और कर देते हैं अच्छे से मिक्स। तो भाई यहाँ पर तो हमारी खीर बनके बिल्कुल तैयार है, लो कैलोरी की। जैसे कि भाई हम डाइटिंग करते हैं और मीठा खाना मना है, चावल खाना मना है, तो ये खीर ज़रूर बना के खाइए, उंगलियाँ चाटते रह जाओगे। तो देखें यहाँ पर हमारी खीर अच्छे से ठंडी हो चुकी है। तो चलिए फटाफट कर लेते हैं इसकी प्लेटिंग।
यहाँ पर हम अच्छे से खीर को प्लेटिंग करेंगे, जिससे कि देखने के बाद लुक और भी बढ़ जाएगा। तो फ्रेंड्स देख सकते हो खीर हमारी कितनी क्रीमी हो चुकी है ठंडे होने के बाद। एक बाउल में डाल देते हैं, तो देखे लुक देखे खीर का, कोई यकीन नहीं कर पाएगा लौकी की खीर। अब भाई जो लौकी नहीं खाता ना, ये वीडियो से जरूर दिखाना, इसे देखने के बाद वो लौकी का फैन हो जाएगा, उंगलियां चाट चाट के खाएगा, इतनी टेस्टी खीर बन के तैयार हुई है। दोनों बाउल में हम खीर को डाल देते हैं, अच्छे से करेंगे इसे गार्निश बिल्कुल सुंदर तरीके से। आपके घर कोई भी गेस्ट आए ना, गर्मी में खीर बना के जरूर खिलाना, और ठंडे होने के बाद तो उसका टेस्ट और भी डबल हो जाता है। ऊपर से डाल देते हैं कुछ मखाने बादाम, और अच्छे से कर देते हैं सुंदर तरीके से गार्निश। भाई मैं तो इसे हफ्ते में 2 बार बनाई लेती हूँ, क्योंकि मुझे तो बहुत ही पसंद है। और मेरे बच्चे लौकी नहीं खाते थे, अब दौड़ दौड़ के खीर खाते हैं, और फ्रिज में ठंडे रखने के बाद तो डबल टेस्ट हो जाता है। यहाँ पर पसर लगा देते हैं एक एक चेरी, तो देखिए चेरी लगाने के बाद लुक खीर का कितना बढ़ गया, कोई यकीन नहीं कर पाएगा। ये लो कैलोरी की खीर है, वो भी सिर्फ लौकी की बनके तैयार हुई है। तो देखिए खीर का लुक देखिए कितनी बड़े एकदम जबरदस्त हमारी शानदार खीर बनके तैयार हुई है। तो फ्रेंड्स अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जिन्होंने नहीं किया, और मेरी वीडियो देखने के लिए थैंक यू। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में नई रेसिपी के साथ।